हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि नोटिस राइटिंग, ठीक है, कैसे हम लोग नोटिस लिखते हैं, मैं उसके बारे में आज चर्चा करूँगा। इससे पहले कि मैं वीडियो भी आप नोटिस के लिए डाला हूँ, इससे पहले 4 वीडियो डाल चुका हूँ, उसको जाकर आप देखिएगा। उसके पैटर्न मतलब उसका जो भी एक फॉर्मेट होता है, मैं उसके बारे में डिस्कस किया हूँ और आज भी मैं मतलब नोटिस बताऊँगा कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट भी थोड़ा सा डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए क्या दिया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, नोटिस राइटिंग, तो हेडिंग दिया, मैं इसको समझाने के लिए लिखा हूँ। लेकिन सबसे पहले लिखते कैसे, पहले ऊपर जो भी स्कूल का नाम रहेगा उसको वो रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल का नोटिस है, ठीक है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख दिया हमने नाम में। उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, ठीक है, बड़े कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा उसके बाद क्या लिखेंगे, अगले में क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे कि 1 अक्टूबर 2023, 1 अक्टूबर 2023 की ये मतलब नोटिस लिखा गया, ठीक है। उसके बाद ये नोटिस की जो हेडिंग होती है, किस बारे में नोटिस है ये, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उस बारे में हम लोग क्या करेंगे, नोटिस को लिखेंगे, जैसा कि डिबेट कंपटीशन का है। क्या है डिबेट कम, डिबेट कंपटीशन का मतलब होता है किसी से वाद विवाद, ठीक है। जैसे मान लीजिए बातचीत करने वाला जो कंपटीशन से होता है, कोई टॉपिक दे दिएगा उसके बारे में बातचीत करना, ठीक है। तो आइए इसके बारे में समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर नोटिस लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर उसका हेडिंग लिखते हैं। उसके नीचे जस्ट उसके नीचे से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन छोड़ करके हम लोग बॉडी ऑफ द लेटर शुरू कर, सॉरी बॉडी ऑफ द नोटिस शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि डिबेट कंपटीशन ऊपर था, अब नीचे हमने क्या किया, बॉडी ऑफ द नोटिस लिख दिया, ठीक है। हेडिंग हमको मिल गया, हमने बॉडी ऑफ द लेटर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आइए मैं इसको समझाता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर बाई इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन ऑन 4 अक्टूबर 2023। क्या दिया रहा है इसमें इन्फॉर्मेशन, क्या दिया जा रहा है कि 4 अक्टूबर को हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन होगा। कब से कब होगा, 2 PM to 4 PM, मतलब 2 बजे शाम को लेकर के 4 बजे शाम तक इन स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। किस में लिया जा रहा है, स्कूल का जो ऑडिटोरियम उसी में प्रोग्राम होगा। अब क्या है देखिए आगे पढ़ते हैं, द सब्जेक्ट इज एनवायरनमेंट, जो सब्जेक्ट दिया गया वो एनवायरनमेंट दिया गया, ठीक है। टॉपिक जो दिया गया वो क्या हमारा है, एनवायरनमेंट दिया, एनवायरनमेंट तो वातावरण, हमारे चारों तरफ की जो वातावरण उसके बारे में हम लोग को पढ़ के जाना है ताकि हम अच्छे से अपना डिबेट कंपटीशन दे सकें, ठीक है। आगे देखिए या ठीक है, उसके बाद दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट मे गिव देयर नेम टू अंडर साइन, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो जा करके नाम अपना दे दे, जो भी अंडर साइन मतलब जो भी इसके बारे में हेड बॉय या जो भी है उसको जा करके अपना नाम दे दे और नाम लिखवा दे, ताकि उसका नाम को उसमें मेंशन किया जाए, ताकि वो उस पार्टिसिपेट में भाग ले सके, ठीक है। उस पार्टी जो भी हम लोग करेंगे, जो भी उसमें डिबेट कंपटीशन होगा उसमें हम लोग क्या, जो भी लड़का होगा वो उसमें क्या कर सके, अपना कुछ बात रख सके, उसमें उसमें वो क्या कर सके, कंपीट कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं और लास्ट में जो भी होता है उसका हेड बॉय उसका नाम लिख देते हैं। पहले यहाँ पर नेम लिखते हैं या सिग्नेचर लिखते हैं, सिग्नेचर करेगा, फिर नेम रहेगा, फिर हेड बॉय उसका पद डिजाइग्नेशन भी लिख देते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया कि नोटिस राइटिंग कैसे करते हैं। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि पहले स्कूल लिखेंगे, फिर बड़े में नोटिस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर हेडिंग लिखेंगे, फिर बॉडी ऑफ द नोटिस लिखेंगे, उसके बाद नीचे जो है साइन होगा, फिर नेम होगा, फिर उनका डिजाइग्नेशन भी हो जाएगा, मतलब हेड बॉय है कि टीचर है जो भी होंगे उनका लिख दिया जाएगा, मतलब उनका पद क्या, उनका पद है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होंगी। चैनल पे नए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। इसी तरीके से आप ढेर सारा प्यार देते रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।